अपमाद वगो वग नंबर दो गाथा नंबर दो एवं विशेष तो यत्वा अपमाद मही पंडिता अपमादे अमोदंती अरियानं गोचरे रता एवं विशेषतो यत्वा। एवं माने इस प्रकार से यानी ऐसे, विशेषतो माने अच्छी तरह से, और यत्वा माने होता है जानकर, यानी जहाँ यह लग जाता है वहाँ इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी जानकर, यानी इस प्रकार अच्छी तरह जानकर। अपमाद मही पंडिता, अपमाद मही यानी अपमाद मही, अपमाद में पंडिता, यानी पंडिता का मतलब है यहाँ जानकार, जो लोग हैं जिनको जानकारी होती है उनको यहाँ पंडिता शब्द इस्तेमाल किया गया है। किसी भी चीज़ का कोई जानकार होगा उसको पंडिता बोला जाता है, यानी पंडित बोला जाता है। तो जो जानकार लोग होते हैं वो अच्छी प्रकार से जानकर देखकर इस ज्ञान को प्राप्त कर। पहली लाइन बिल्कुल स्पष्ट और ठीक है। अपमाद में यानी अपमाद में जानकर, यानी हम अप्रमादी रहें ये जानकर, जो जानकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं। अपमादे प्रमोदंती यानी अप्रमाद जो होता है, अपमादे, अपमादे का मतलब है जो अप्रमाद है उसमें प्रमादित होते हैं, यानी कि उसका आनंद लेते हैं, उसको समझते हैं, उसे जानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, अप्रमाद जानकर प्रमाद प्राप्त करते हैं। यानी कि जो अप्रमाद है उसको जान लिया और अब उनको वो सुख मिल रहा है, प्रमाद मिल रहा है। अरियानं गोचरे रता, अरियानं गोचरे रता, ये जो अरियानं गोचरे रता है ये बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। अरियानं का मतलब है जो अरिया, जिसको आर्य बोलते हैं, यानी कि आर्यों का मार्ग। अरियानं मार्ग का मतलब है बुद्ध का मार्ग, यानी बुद्ध की बातें, जो आर्य सत की हैं, अरिय सत की हैं, क्योंकि आर्य को पाली में अरिय बोला जाता है। तो अरिय सच की बात, बुद्ध की बात जानकर गोचरे। अब गोचरे का मतलब क्या है, गोचरे का मतलब होता है कि जैसे भिक्खु की चर्या है, जैसे भिक्खु चढ़ते हैं, जैसे बुद्ध चढ़ते हैं। यहाँ गो का मतलब गाय नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे जैसे गाय चढ़ती हैं, वो नहीं है। गो माने गाय भी होता है और गौ माने गौतम की भी बात आती है, यानी गौतम भी जो चलते हैं उनको गौचरे बोलते हैं। बाद में ये भिक्खुओं के लिए इस्तेमाल हुआ। तो गौचरे का मतलब यहाँ है कि अरियानं गौचरे रता, जैसे आर्य, जो आर्य सत्य जानने वाले लोग हैं, जो आर्य सत्य जानने वाले लोग हैं, वो बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए रत रहते हैं, यानी कि उसके मार्ग पे चल के रत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अप्रमाद को जानकर प्रमाद यानी सुख पूर्वक रहते हैं। ये इस गाथा का सिंपल सा साधारण सा मतलब है, जो सामावती और मागंदीय की गाथा नंबर दो है, यानी कि गाथा नंबर 22। और भी सरल अगर हम ये कहें कि गाथा नंबर 2.2 का यानी 22 नंबर गाथा का अर्थ क्या है, तो जो जानकार लोग होते हैं जिनको यहाँ पंडित बोला गया है, जानकार लोग ये जानते हुए कि अप्रमाद में क्या खास बात है, अप्रमाद से क्या फ़ायदा होने वाला है, जो उसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, वे लोग बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए, बुद्ध की जो बात है उसको सीखते हुए, अप्रमाद होते हुए प्रमाद को प्राप्त होते हैं। यानी कि अप्रमाद के बारे में जानते हुए, अप्रमाद में रहते हुए उन्हें अनंत खुशी, अनंत आनंद उन्हें मिलता है। ये सिंपल सा इसकी कहानी और मैसेज है। धन्यवाद।